गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं घातांक और करणी, जो 9th क्लास का भी है आपका। एक्चुअली में क्लास 5 6 से पढ़ाया जाता है ये घातांक और करणी। इसमें समस्या क्या आती है बच्चों, पहले उसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअली में वो फॉर्मूला आता कहाँ से। फॉर्मूला के शब्द यदि आपको फॉर्मूला पहचान में आ जाता है तो समझिए उसको सेट करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसान पड़ेगा। बस यदि आप ध्यान से बच्चों इस वीडियो को, मेरे भाइयों बहनों जो भी आप इस वीडियो देख रहे हो, प्लीज पूरे पूरे वीडियो को एकदम पूरी ईमानदारी से देखना। यदि आपको कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना बच्चों। और भाइयों के आखिर में आपको कहाँ समझ में नहीं आया है, चलते हैं बच्चों। आज का वीडियो काफी बड़ा बनने वाला है क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूले को जो आपको बचपन से पढ़ाया गया क्लास 8 में 6 में 7 में 9 में मिलेगा आपको, फिर 10 में हर एक में मिलेगा आपको। इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है कि इसके बिना वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। चलते हैं बच्चों, हर एक की एक कहानी है और हर एक का एक शर्त है। हर एक को मैं साबित भी कर दूंगा आपको कि कैसे वो बना है, ठीक है। बच्चों के कंफ्यूजन क्या होते हैं कि आखिर बन तो जाता है, कुछ क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन अटक जाते हैं, वजह ये कि उनको ये बात की जानकारी आखिर में फॉर्म नहीं पहचान पाते हैं। कुछ शर्तें हैं, शर्त याद रखना पड़ता है, हर एक की एक शर्त होती है, उस शर्त को याद रखिएगा। आप क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, उसका ढांचा क्या है, वो पकड़ में आए तो जाहिर सी बात है कि आप आंसर को बहुत ही सरल से बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। चले आते बच्चों, चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे पहला है क्या कि गुना में पावर जुट जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा a^m (a^n), इसका वैल्यू होता है a^m+n। बच्चे उलझ जाते हैं यहाँ पर, तो रे क्या फॉर्मूला आ गया, बाबरे बाबरे बहुत टेंशन हो गई रे। कोई टेंशन नहीं बच्चों, कोई टेंशन नहीं। देखो यार, गुना में नहीं, गुना में पावर जुट जाता है। आपको मैं ये कुछ पिछली क्लास की कुछ बातें, जैसे मैंने कहा एक नंबर लिख लिया 2 क्यूब लिख दिया मैंने, 2 का पावर 3 है, यानी कि इसको बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग क्या, आधार बोलते हैं हम लोग, आई मीन बेस बोलते हैं, और ऊपर में रहता है उसको बोलते हैं घातांक, बोलते हैं हम लोग घात का अंक, या एक्सपोनेंट या पावर या डिग्री बोलते हैं आप। तो 2 को 3 से गुणा नहीं किया जाता है, दिमाग ये बैठा लीजिए जो बचपन की बातें थी। आप 2 को 3 बार तो गुना करते नहीं है, 3 से 3 बार लिख करके गुना करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, तब जो आता है वैल्यू 8 है, उसको हम लोग कहते हैं। तो एक्चुअली में है क्या, यहाँ पर बच्चे उलझते कहाँ, याद तो रखते हैं, चलो गुना पावर जुट जाता है ये याद हो गया, लेकिन फॉर्म नहीं पहचान पाते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं। तो वजह क्या, गुना पावर जुटता है, ठीक है गुना है, यहाँ पर पावर जुट गया है एम और एन। याद रखिए सबसे पहले कि ए जो है आपका स्वतंत्र नंबर और एम और एन जो कोई ना कोई रियल नंबर, रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर है, मतलब कोई परिमेय संख्या, कुछ भी संख्या हो सकती है, पॉइंट में, बट्टा में, दस प्लस में, माइनस में, कुछ भी हो सकता है। देखिए मैं शर्त बताऊं, हर एक में कुछ शर्त बताऊं, शर्त को समझिएगा, गुना पावर जुट जाता है बशर्ते कि नीचे सेम सेम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैं आपको आधार को नीचे बोलूंगा, मैं नीचे सेम सेम होना चाहिए। जैसे कहा गया 2 का पावर 3 है, गुना 2 का पावर मान ले 5 दिया मैंने, क्या हो जाएगा, नीचे सेम सेम है ना, गुना पावर जुट जाएगा, 3 में जोड़ देंगे 5 को, अब जो बनेगा बना दीजिए ना, 2 का पावर 3 5 8 हो जाएगा। चेक कर लेंगे क्या कहते हैं, मान जाएंगे, हर एक को यहाँ साबित कर दूंगा मैं, हर एक को साबित करूंगा। और हाँ बच्चों, यदि आपको समझते हैं कि सर को साबित करना, वो मैं बोर्ड छोटा है इसलिए मैं पूरा जानकारी दे पाऊंगा, लेकिन सबको साबित करूंगा मैं, सिर्फ उसको लिख नहीं पाऊंगा, लिखूंगा और तुरंत मिटा दूंगा उसे मैं, ठीक है। आप स्क्रीन शॉट ले सकते, बार बार वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली में साबित कैसे किया गया। जैसे मैंने लिख दिया कि 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 5 लिखा, मैंने बोल दिया 2 का पावर 8, मान जाएंगे आप क्या, नहीं ना, नहीं मानेंगे, बोलेंगे चलिए साबित कर दिखाइएगा इन दोनों बराबर क्यों है, तब तो समझेंगे वो फॉर्म ऐसे बनता है हम लोग कि 3 और 5 मिलकर 8 हो गया हम लोग। इसका वैल्यू निकालते हैं 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8 गुना है ना, फिर 2 × 5 = 1 2 3 4 5, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, फिर दोनों आपस में क्या गुना करना है, 8 × 16 = 24 25, 256 आया ना, इधर वैल्यू कितना है 256, यदि इधर भी 256 आ जाएगा तो काम बन जाएगा। तो कितनी बार 8 बार ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128 × 256, मतलब क्या ये सेम है, मतलब ये जिसके बदले में था ये जिसके बदले में था वो भी सेम होगा, क्लियर। तो वही चीज होता है, तो हर जगह ये सारी बातें आप बचपन में पढ़े हुए हैं, सारी सारी बातें आप जान रहे हैं, तो हर एक को जाना जरूरी है। तो हर एक का शर्त,
अब इसमें दो ही पीस फॉर्मूला, दो ही पीस लिखा जाता है, लेकिन ये तीन से ज्यादा भी रह सकता है, तीन या तीन से, जैसे मैंने कहा कि दो का पावर तीन रहेगा गुना दो का पावर चार रहेगा गुना दो का पावर पांच है, नो प्रॉब्लम। नीचे सेम सेम है ना मेरे भाई, नीचे सेम सेम है, गुना पावर जोड़ देंगे, तीन में जोड़ देंगे चार को और उसमें जोड़ देंगे पांच को, जो आया लिख दीजिए आप, क्या हो जाएगा आपका दो का पावर चार तीन सात पांच बारह हो जाएगा। वैल्यू निकालिए इसका, इसका निकाल गुना कर दीजिए, इसका वैल्यू निकालिए, सेम आ जाएगा आपका। यदि प्लस में रहे माइनस में रहे, जैसे मैं दो का पावर मैंने आठ का गुना का दो का पावर माइनस पांच बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बच्चे बोलते हैं घट जाता, घटेगा नहीं ना, क्या करेंगे, मैंने क्या बोला गुना पावर जुड़ गया, बस अब नीचे सेम सेम, नीचे सेम सेम है, आठ में पावर को जोड़ देंगे आप, आठ में जोड़ देंगे किसको, माइनस पांच को, क्या हो जाएगा दो का पावर आठ प्लस माइनस माइनस पांच, अब बन गया दो का पावर, प्लस ज्यादा प्लस बचेगा, भले भले सही घट गया, घटा नहीं बच्चों, घटा नहीं है, आखिर में आठ में जोड़ा गया किसको, माइनस पांच को जोड़ा गया, तो गुना पावर जुड़ जाता है, बस सरते नीचे सेम सेम होना चाहिए। क्लियर, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप इसी से मिलता है, मैं इस तरह कुछ लाइन ना दूंगा, मैं दे दूंगा दूर का आवाज दबा मिलता जुलता है, गुना अंपायर जुट जाता है, ये दो पीस से अधिक रह सकता है, दो पीस से फॉर्मेट पकड़ने के लिए, दो से अधिक पीस जितना पीस कल नीचे सर्फ होना चाहिए, नीचे सेम सेम होना चाहिए। दूसरा गुना अंपायर जुट जाता है, भाग अंपायर घट जाता है, ये भी याद रखना बच्चों को, लेकिन सर्फ सबका याद रखिएगा, जैसे ए टू द पावर एम बोला डिवाइडेड बाय बी ए टू द पावर एन बोला, या इसको लिखा रहेगा भागा रहे चाहे बट्टा रहे, ए टू द पावर एम भाग को बट्टा बोलते हैं हम लोग, ए टू द पावर एन भाग एम पावर घट जाएगा, एम माइनस एन हो जाएगा, फिर शर्त वही है बच्चों, शर्त वही है, क्या नीचे सेम सेम, बेस सेम सेम है, ए सेम सेम है, यहाँ भी ए, नाम सेम सेम तो ठीक है, नंबर सेम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने कहा दो का पावर पांच बोल दिया, चलिए सिंपल कर देते, आठ भागा दो का पावर पांच बोल दे, या बट्टा मिलेगा आपका, मैंने क्या बोला था भाग, जिस तरह हम माइनस बोले घट गया, घटा नहीं ना, जुड़ गया था, तो वही भैया इसमें भी प्लस माइनस कुछ भी, प्लस माइनस बट्टा वगैरह नाम वगैरह कुछ भी, कोई वेरिएबल कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर भागम पर घट जाता है, गुणा पर जुड़ जाता है, भागम पर घट जाता है, बस सकते हैं कि नीचे सेम सेम होना चाहिए बच्चों, नीचे सेम सेम है, ठीक है, ले लिए जो सेम सेम एक बार ले लेंगे, जो सेम सेम एक बार ले लिए, यहाँ भी सेम सेम एक बार ले लेंगे, पावर घट जाएगा हम लोग आठ में, घटा देंगे पांच को, क्या हो जाएगा दो का पावर आठ में पांच जाएगा तीन बचेगा, ऐसे भी दो आठ बार लिखेंगे आप, कितने बार आठ बार लिखेंगे, बट्टा कर देंगे दो कितनी बार लिखेंगे, नीचे पांच बार लिखेंगे, पांच बार तो कट जाएगा, तीन बार बचेगा, तीन बार बचेगा मतलब क्या, दो बार क्या, तीन बार बचेगा तो तीन बार गुना हो जाएगा आपस में, तो वही हुआ गुना पावर जुट जाता है, तो दो तीन बार बचेगा तो पावर वन तीन बार आ जाएगा होगा, तो इस तरह से दो ही सेट बनता होगा, गुणा पावर जुट जाता है, भागम पावर घट जाता है, बस सरते कि नीचे सेम सेम होना चाहिए, एग्जाम्पल से पहचाने बच्चों। तीसरा आवाज क्या होता है कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर को पावर से गुणा करते, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर को पावर से गुणा कर देते हैं, ये तीसरा फॉर्म हुआ, बशर्ते कि यहां भी बशर्ते कि ब्रैकेट होना चाहिए, ब्रैकेट नहीं तो वैल्यू अलग हो जाएगा बच्चों। जैसे मैंने कहा दो का पावर तीन है, उसका पावर चार है, कोई दिक्कत बस ब्रैकेट हो रहा है होगा, बशर्ते ब्रैकेट होना चाहिए, दिखाई के जरा पावर के ऊपर पावर हो तो बार बार आवाज बोलिए, पावर के ऊपर पावर तो पावर को पावर से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा दो का पावर तीन चौके बारह, ये प्लस रहे माइनस रहे बट्टा रहे कोई प्रॉब्लम, जैसा नंबर है वैसा हो जाएगा। तो अब इसका वैल्यू निकालिए, दो का पावर तीन आठ, आठ को चार बार आठ गुने आठ गुने आठ गुने चार बार कीजिएगा और इस दो को बार बार कीजिएगा, आपका सेम आ जाएगा। तो कहने का मतलब है इसमें, हाँ यदि हम बोलेंगे इसको इस तरह बोले हम टू, जैसे इसको बोलते हैं टू क्यूब ऑल टू द पावर फोर, और ये क्या बोले टू क्यूब टू द पावर फोर, ये आएगा आपको टू दी पावर थ्री टू पावर फोर पर जाएगा 81 आ जाएगा, दोनों वैल्यू सेम नहीं, दो बार बारह देगा, ये दो बारह बार गुना होगा, ये दो 81 बार गुना होगा, दोनों वैल्यू सेम नहीं, याद रखिएगा, इसमें सब याद रखिएगा बच्चों कि क्या पावर के ऊपर पावर हो तो पावर को पावर से गुना कर देते हैं, बशर्ते कि ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। चलते आगे, अगला स्टेप क्या है आपका कि किसी का पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, याद रखिएगा किसी पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। जैसे मैंने कहा दो का पावर जीरो फिर भी वन, तीन का पावर जीरो फिर भी वन, माइनस तीन का पावर जीरो फिर भी वन, तीन बटे पांच रहेगा रूट पांच रहेगा, नो प्रॉब्लम, किसी का पावर जीरो है वन हो जाएगा, क्या कहते हैं समझ जाएंगे ना, सब में साबित होते, इसमें साबित होगा ना। ये चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए आपको तीन का पावर जीरो बराबर वन साबित करने की कोशिश करते हैं, चले बहुत दिमाग आ रहा है क्या, चलिए बताइए, सोचिए, नहीं हुआ तो सोचिए, हम जानते हैं बहुत दिमाग आ चुका हो। चलते हैं फिर हम भी एक बार चल देते हैं, हम चलते हैं अच्छे से चलते हैं। अब तीन का पावर जीरो है, तीन का पावर जीरो तो इसको क्या लिखेंगे, वन कैसे आएगा कैसे, अरे सिंपल हम लोग जीरो के बारे में जानते हैं ना,
जीरो है मतलब किससे माइनस सेम कर देना है ना, सेम प्लस सेम माइनस कर दे, वन माइनस वन कीजिए, टू माइनस टू कीजिए, थ्री माइनस थ्री सेम माइनस सेम, ऐसा कुछ वन माइनस कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। अब क्या हो गया, जैसे हम जानते हैं दो प्लस तीन मिलकर पांच होता है, तो पांच के बदले में दो प्लस तीन होता है, तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ते, भागम पर घट जाता है, भागम पर घट जाता, यदि घटा हुआ है तो भागा में रहा होगा, तो वही यार यहाँ पर मेरे भाई घटा हुआ है ना, भागा में रहा होगा, ये तीनवा और एक बटे तीन पर एक रहा होगा। अब देखिए यार तीन का पावर एक, तीन एक बार लिखेंगे, यहाँ भी तीन एक ही बार लिखेंगे, कट गया हम लोग कितना एक पहुंचा, अर्चे आ गया, यदि हम लोग अर्चे लेके चलते हैं हम लोग क्या वन, अब वन के बदले क्या लाना, तीन तीन लाना, लिख दिए माता पकड़ रहे सब, अरे बड़े बाबा बाबा एक के बदले तीन का लिख दिया, चलो गया गलती हो गया, यहाँ तो तीन का पावर एक है, तीन का पावर जीरो चाहिए ना, कुछ भी नहीं छिपा हुआ, तो पावर वन छिपा रहा था हम लोग, तो अब क्या करें, यहाँ फंस गए, यहाँ जीरो नेम चलता, यहाँ वन का नेम चलेंगे, सेम बाय सेम कर दीजिए, आ गया, कोई अंतर नहीं पड़ा, ये हम साबित करना चाह रहे थे। अब क्या हो गया, दिख रहा पावर वन छिपा हुआ है, भागम पावर घट जाता है ना, तीन का पावर एक में एक घट जाएगा, क्या हो गया तीन का पावर जीरो, पहुंच गया यहाँ से, क्लियर। तो इसी तरह बच्चों सारे के सारे होते हैं, तो कहने का मतलब क्या, चार वजह आपको मैंने दिया, गुणांक पावर जुड़ जाता है, भागम पावर घट जाता है, बस नीचे सेम सेम होना चाहिए, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर को पावर से गुणा करते, बस ब्रैकेट होना चाहिए, किसी के पावर जीरो वन होता है। अगला स्टेप, सारा स्टेप क्लियर हो जाए बच्चों। पांचवा नंबर क्या है, नंबर पलटी मारने पर, नंबर ए था उसको पलटी मार दिया, किसी पर रेसिप्रोकल क्या था, वन बाय समथिंग होता है जो नंबर होता है, नंबर पलटी मारने पर पावर प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में, पूरा आवाज हो जाता है। ये देखिए दो का पावर तीन है, नंबर पलटी मार दीजिए, एक बटे दो कर दीजिए, नंबर नीचे वन छिपा हुआ, पावर क्या हो जाएगा प्लस में या माइनस में आ जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए तीन बटे पांच है, आवाज सिंपल पकड़िएगा, मान लीजिए चार कर दिया, नंबर पलटी मार दीजिए आप, नंबर पलटी मारे पावर प्लस से माइनस में आ जाए, और यदि ये माइनस में रहता तो प्लस में आ जाता आपका। अब इसमें समस्या, अब ये कैसे करें, ये भी समस्या बात है, आखिर में ये कैसे करें, एक सिंपल एक मेथड बताता हूं मैं, चलिए दोगले, चलिए दो को लेते हैं, दो का पावर तीन को साबित करना चाहिए ये सही है, इसके बदले में ये ना नहीं आता है, हमको नहीं मालूम है कि उसके बदले में वो लिख सकते हैं, चलिए भैया हम इसका इन्वर्स लेते हैं, दो पावर तीन है, इसका इन्वर्स मतलब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, दो का पावर माइनस तीन, दो का पावर माइनस तीन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है दो के बदले में आप बोल दिए दो गुना तीन, तब गलती होगी आपका, क्यों दो है या छह, तो बट्टा गुना तीन देके गलती की, बट्टा तीन देके सही कर लेंगे, फिर कर जाए फिर तो वही आ गया हम लोग, वही यार यहाँ किया लोग इनवर्स से गुना कर दिए तो इनवर्स से भाग भी दे देंगे हम लोग, सेम सेम कट जाएगा, मतलब वही है अभी भी, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, गुना अभी हम पढ़े ना, गुना पार जुड़ जाता है, दो पार तीन में जोड़ देंगे क्या, माइनस तीन को क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये माइनस बन जाएगा आपका, तीन में तीन जीरो, बाकी तो अपना जगह पे रहेगा ही, क्या हो जाएगा दो पर दो का पावर तीन में तीन जाएगा, क्या बन जाएगा जीरो, बटे में दो का पावर माइनस तीन, किसी पावर जीरो वन अभी पढ़े ना लो, किसी पावर जीरो वो भी साबित किया लो, बटे दो का पावर माइनस तीन, मतलब कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, नंबर क्या नजर आ रहा है, जो भी नंबर था वो पलटी मारा हुआ है हम लोगों, और पावर प्लस से माइनस में आ गया, उस तरह माइनस से प्लस में गया, ये माइनस में रहता यहाँ पर, तो ये माइनस रहता यहाँ प्लस रहता, ऊपर जीरो होता प्लस, ये प्लस में रहता प्लस में रहता प्लस में रहता प्लस में रहता, कहने का मतलब क्या कि नंबर पलटी मारने पर पावर प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में होता क्या पावर, ठीक है। जैसे हम बहुत बच्चे कैसे आ जाएगा ये माइनस से प्लस में, सब वही चीज मैंने बताया भी, फिर भी कंफ्यूजन है तो याद रखना मुझे, एम है उसके पहले माइनस है ना, ये एम था तो उसके पहले माइनस था, ये पूरा एम है ना, ये पूरा में इसके पहले माइनस रहेगा, अपने आप माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए याद रखिएगा क्या कि नंबर पलटी मारने पर पावर प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में हो जाता है, हो गया। इसके बाद पांच क्लियर, छठा सातवां फिर एक जैसा बच्चों, छठा और सातवां, छठा नंबर क्या बोलता है कि देखिए पहले फॉर्म पर बता दो, उसके बाद इसका आवाज देते, दो का आवाज एक ही है, जैसे मैंने बोला ए टू द पावर एम, ठीक है, इनटू या इनटू डॉट में रहेगा आपका कार्डिनल प्रोडक्ट, चाहे डॉट प्रोडक्ट रहेगा, बी टू द पावर एम बोला, यहां हो जाएगा ए इंटू बी, जो काम है वो काम कर लो, इंटू है तो इंटू कर लो, पावर सब पे डाल दो, बस अर्थ की पावर सेम सेम होना चाहिए, पावर सेम, जैसे नीचे सेम से उसको एक बार लिखे, यहां पावर सेम से पावर को एक बार लिखेंगे, जो काम है काम कर लेंगे यहां पर, दैट्स क्लियर। अब ये इसके बारे में जरा बताते हैं हम लोग, जैसे मैंने कहा दो का पावर तीन गुना मान ले पांच का पावर तीन है, ठीक है, पावर सेम सेम है ना, दो गुना पांच अपना काम कर लेंगे, पावर सब पे डाल देंगे, पावर सेम सेम होगा, कितना बन जाएगा ये दस, दस का पावर तीन बन जाएगा, ठीक है,
चेक कर सकते हैं, 2 का पावर 3 दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए ना, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, 5 का पावर 3 5 × 5 × 5 125 हो जाएगा, 125 को 8 से गुणा करें 1000 आ जाएगा, 10 का पावर 3 1000 आ जाएगा, दोनों सेम है, मतलब कि गुना में पावर सब पे चला जाता है, सब पे चला गया और सब पे रहता तो हर एक पे चला था, बस सर इधर से जाते वक्त क्या करना याद रखना पड़ेगा, पावर सेम सेम सर याद रखना पड़ा, बस पावर सेम सेम होता है, ठीक है। उसे इसमें भी गुना में आपका जो था 2 से अधिक भी होता है, जिसमें 2 × 5 × 8 बोल दिए, इस पर ही पावर 3 है, सर पावर पर तो और 3 है, जो काम है काम कर लीजिए ना, 2 × 5 × 8 कर लेंगे, पावर सब पे डाल देंगे, जितना बने बना देंगे, 5 × 9 = 10 = 88 हो जाएगा यहाँ पर, बाकी अपना जगह पे रहेगा, फिर चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। बस सर देखिए पावर सेम सेम हो, 2 से अधिक पीछे रह सकता है, किसमें तो गुना में पाला, इसमें छठा में। फिर 7वां नंबर देखिए जरा, दोनों का आवाज एक बार फिर मैच कर दूंगा मैं, इन दोनों को मैं फिर मैच कर इस तरह से, फिर एक साथ रहेगा आपका, ए टू पावर एम रहेगा डिवाइडेड बाय बी टू दी पावर एम रहेगा, या आपको बोलेगा ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाय बी टू दी पावर एम बराबर ए बाय बी रहेगा, या गुना तो गुना कर लेना, बट्टा है तो बट्टा कर लेंगे ना, भाग है तो भाग कर लेंगे ना, पावर सब पे डाल देंगे, बशर्ते पावर सेम सेम होना चाहिए, बशर्ते की पावर सेम सेम होना चाहिए। चलते हैं कोई भी लेते हैं, इसी को एग्जाम्पल लेते हैं, 2 का पावर 3 बोला, भागा बोलेगा चाहे बट्टा बोलेगा, 5 का पावर भी 3 बोल दिया, भागा अपना बट्टा कर लो, जो काम है काम कर लो, पावर सब पे डाल दो, जो वैल्यू निकलेगा 5 × 20 0.4 हो जाएगा, बाकी अपना जगह पर है, इसको वैल्यू निकालो, इसके बाद सारा वही आएगा आपको, 8 × 25 भाग देंगे तो भी आपका वही आएगा, 464 0.064 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, इन दोनों का एक जैसे याद रखना बच्चों, गुना या बट्टा में पावर सब पे चला जाता है, सब पे रहता है, तो हर इसका उल्टा जो आवाज इसलिए दे रहा हूं मैं, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन आपको उल्टा बनाने का जरूरत पड़ेगा, गुना या बट्टा में पावर सब पे चला जाता है और सब पे रहता है, तो हर एक पे चला जाता है, जब इधर से जाने वाला शर्त क्या होना चाहिए, बशर्ते कि पावर सेम सेम होना चाहिए। यहां पर देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े, जितने भी स्टेप हमने देखे, उन सब एक कहानी थी, क्या कहानी थी कि इसके बदले में ये आता है, इसके बदले में इसके बदले में ऐसा काम होगा। अब दो कहानी जो बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, रूट वाला क्वेश्चन ये नहीं बताऊंगा मैं, क्यों रूट वाला क्वेश्चन मैं स्पष्ट हूँ, उसका प्रॉब्लम नहीं याद रखने बोलूंगा मैं, याद नहीं बोलूंगा कि रूट वाला ए इंटू रूट बी बराबर रूट ए बी क्यूबिक रूट ऑफ ए इंटू क्यूबिक रूट बी, ये सब प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा मैं, क्यों नहीं बताऊंगा उसका कारण बता रहा हूं मैं, पहले दो को स्टेप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आता हूं उस चीज पर। चलिए, अब ये तो सबसे अलग खतरनाक नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान है, और इससे आपको अधिकांश क्वेश्चन में कंपटीशन एग्जाम सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेंगे, 8 में 9 में 7 में 10 में इंटर में ग्रेजुएशन में सारे जगह, प्लस सबसे अधिक कंपटीशन एग्जाम में, कंपटीटिव एग्जाम जो बैठेंगे आप सारे में जो पढ़ेंगे हर लेसन में। चलते हैं, देखिए यहां पर इसमें शर्त रहेगा, यदि इसमें यदि लिखा हुआ रहेगा, यदि आप कुछ भी लिखा रहे शर्त, इसमें शर्त पकड़ना आपको, यदि मैंने कहा ए टू द पावर एक्स बराबर बोल दे चले ये देते एट बार वाई हो तो ये काम करे, ध्यान दीजिएगा उसमें था कि चलो भैया फलना के बदले में चिलना ढकना के बदले में फलना जी, इस तरह से बातें थी। अब इसमें क्या पाले कुछ दे दिया, अब बोला ना भैया यदि ऐसा होगा तो कैसा होगा, ठीक है, तो कैसा होगा, एक्स बराबर वाई है, फॉर्मूला बच्चा याद नहीं रख पाता, बहुत लफड़ा रहे बाबरा, ए बी सी डी मैथ पढ़ रहे हैं, ए बी सी डी पढ़ रहे हैं, झमेला बन जाता है ना, चलते। तो इसका क्वेश्चन फिर दोनों का आवाज एक साथ दे दूंगा, बहुत इजी पड़ेगा बच्चों। जैसे मैंने कहा यदि आपको शर्त दिया हो, यदि आपको दिया हुआ है, चलिए क्या है, चलिए क्या लिखते हैं, चलिए 2 का पावर x लिख देते हैं बराबर, चलिए 2 की पावर 3 कर देते हैं, यदि ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 3 हो जाएगा। बहुत बच्चे को समझ में नहीं आया, मुझे टेंशन नहीं है, एकदम टेंशन नहीं है, बात जानते हैं क्यों, चलते हैं उसके बाद बताते हैं आपको, फिर एक क्वेश्चन में लिखा उसके बाद शर्त बताऊंगा, इन दोनों का सेट आवाज, ठीक है। अरे हमको टेंशन नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत कुछ समझ, बहुत लोग मुझे गलती दे रहे हैं, दीजिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगेगा सुनने में। चलते हैं, यदि फिर आपको शर्त बता रहा हूं मैं, दे दो ना मेरे भाई, चलिए यदि ए टू दी पावर एक्स बराबर ए टू दी पावर वाई था तो ऐसा था ना, आप क्या कर, आप फिर इसमें गड़बड़ कर रहे हैं, चलिए हम लिख देते हैं ए टू दी पावर एक्स बराबर बी टू दी पावर एक्स, ठीक है। यदि ऐसा है तब तो गड़बड़ हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी, अब तो फिर सर मास्टर साहब ये जो बता रहे हैं बड़ा लफड़ा कर रहा है ना, बड़ी लफड़ा कर दी, ओ क्या से क्या बक दी, फिर एक कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं उसके बाद आता हूं क्वेश्चन पे, यदि ठीक है, यदि मैंने बोला कि एक्स चलिए स्क्वायर है बराबर 5 स्क्वायर, यदि ऐसा है तो, ऐसा है
तो मैंने क्या बोल दिया, सुराव पाए लड़के ये सब क्वेश्चन देखे हल हो जाते हैं, हड़कना नहीं है बच्चों, कुछ भी देख के नहीं हड़कना है, कुछ भी देख के हड़कना ही नहीं, हड़केंगे क्यों? अरे बाबा हड़केंगे क्यों, मैथ ही है ना, उसका सिग्नल हमारा सिग्नल थोड़े थोड़े निकलेगा नहीं ना। आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए यहाँ पर क्या बोलता है। मैंने एक आवाज नहीं कुछ की, मैं आवाज दे दूंगा, आवाज क्या रखेगा, देखिए आपने पहले समझिए आखिर में आया क्यों है, ये आया क्यों, पहले ये कारण जान लीजिए आप। टू द पावर एक्स बराबर दिया हुआ टू पर, यानी कि ये ऐसा रिश्ता दिया हुआ पहले से आपको बताया हुआ, देखिए बाबू देखो बाबू ये और ये क्या है बराबर है, ये और ये क्या है बराबर है, दिमाग मार, चल भैया इधर कितना आएगा, दो गुना दो गुना आठ आएगा ना, बस काम करो, तो बराबर दिया तो इधर तो आठ ही आना चाहिए ना, आठ ही इधर, जब आठ आ इधर भी आठ ही आना चाहिए, तो यहाँ पर एक्स आ चल गया, एक्स बोलते क्या होगा, चलिए वन बैठा देते हैं आठ आएगा नहीं ना, चल एक्स आ गया दो बैठा देते हैं आठ आएगा नहीं ना, दो का स्क्वायर चार आ जाएगा, चल एक काम करते हैं इन्हें बैठा दो, काले बैठा गया चल चार बैठा देते हैं, चल बैठा दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह आ जाए, नहीं यार आखिर में कुछ भी रखे नहीं यार, यही भाई को रखना पड़ेगा, जो ये उसी को रखें तब तो बराबर हो रिश्ता बचेगा, अदरवाइज रिश्ता नहीं बचेगा, रिश्ता टूट जाएगा, समझ रहे, कहने का मतलब क्या है उसको मैं अभी फिर रोक रहा हूँ, चलते हैं यहाँ, तो यहाँ दिखाया क्या दिया, ये और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, ठीक है चाहे प्लस माइनस जो भी एक्सप्रेशन क्यों ना रहे, व्यंजक क्यों ना लिखा रहे, कोई मतलब नहीं वहां पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपल सिंपल नंबर है, कोई दिक्कत यहाँ एक्सप्रेशन लिखा रहे एस प्लस फाइव बराबर थ्री, कोई मतलब पूरा एस प्लस फाइव हो जाएगा थ्री बराबर, कुछ शर्त है बताऊंगा मैं, शर्त याद रखना बच्चों, चलते इसमें इसमें क्या बोलते फिर भैया, और भैया ऐसे एक्स स्क्वायर वाला पांच स्क्वायर है तो बोलो एक्स क्या है ना भैया, नहीं बड़ा अजीब है, ओहो मत सोचिए यहाँ देखिए तो पांच का स्क्वायर पच्चीस आने वाला है ना, बराबर बोली थी भी तो पच्चीस आएगा यहाँ, आप तो समझ में आ रहा है ना, हाँ मैं जानता हूँ आपके समझ में आ रहा है, यहाँ चलिए वन बोल दिए चलो एक बढ़ाते हैं, एक का स्क्वायर एक, अरे इधर पच्चीस रुपया इधर एक ही रुपया ना ना पड़ रहा भारी उधर का, चल दो बढ़ा दो का स्क्वायर चार ना भैया बहुत भारी, तीन बढ़ाया नौ आएगा, चार बढ़ाया सोलह आया, छह बढ़ाया छत्तीस, अरे इधर भारी हो गया, छह बढ़ाया स्क्वायर छत्तीस हो गया इधर भारी, ना अरे बाबा वही बैठाएंगे तब तो पड़ रहा बराबर रहेगा, नहीं तो फिर उधर झुक जाएगा इधर झुक जाएगा लफड़ा हो जाएगा, रिश्ता पहले बोल दिया है क्वेश्चन और पहले बोल दिया, देख बाबू बनाने जा रहे क्वेश्चन पहले बोल दिया है क्या, रिश्ता बराबर है भैया, रिश्ता निकालना चाहिए यानी कि रिश्ता में गांठ नहीं पड़ना चाहिए, बोले अच्छा अच्छा ना नहीं पढ़ना चाहिए, चल भैया इसी को मजबूरी में बैठाएंगे, तब इधर पच्चीस था यहाँ भी पाँच तो पच्चीस आ जाएगा हमको, तो शर्त बहुत ही आसान है बच्चों, दोनों का शर्त आवाज याद पकड़ना बच्चों, चलो क्या नीचे सेम सेम तो पावर सेम सेम, हर एक का मैंने क्या कहा बस शर्त है कि ना, फिर से दोहराता हूँ उसके बताता हूँ उसका बड़ा मजा आएगा, आसान लगे, गुना में पावर जुड़ जाता है बशर्ते कि नीचे सेम सेम होना चाहिए, भागा में पावर घट जाता है बशर्ते, यानी इन दोनों का एक आवाज, गुना में पावर जुड़ जाता है भागा में पावर घट जाता है बशर्ते कि नीचे सेम सेम होना चाहिए, तीसरा आवाज, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर को पावर से गुना करते बशर्ते कि ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है ओ इसमें एक नहीं बताया, ठीक है इसमें एग्जाम्पल और दे दूंगा मैं, इसमें एग्जाम्पल और देता हूँ मैं, ठीक है जैसे मान इसी में रहता दो का पावर तीन उसका पावर चार उसका पावर पांच नो प्रॉब्लम, क्या करते इसी का मैं मिस करते बच्चे कोई बात नहीं है, चलते हैं क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर को पावर से गुना कर दे बस ब्रैकेट होना चाहिए, दो का पावर तीन तीन चौके बारह पचास साठ हो जाएगा, ठीक है ये भी वही है बच्चों, ऐसा मैं लिखा भूल गया था सॉरी सॉरी, चलते हैं तो इसका आवाज क्या देखिए दोहराने पर यही होना फायदा, चलो एग्जाम्पल इस टाइप का दे दिया जा सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, गुना में पावर जुड़ जाता है भागा में पावर घट जाता है बशर्ते कि नीचे सेम सेम होना चाहिए, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर को पावर से गुना कर देना बशर्ते कि ब्रैकेट होना चाहिए मतलब घर में बना रहना चाहिए, किसी का पावर जीरो बनता है कोई शर्त नहीं, नंबर पलटी मारने पर एग्जाम्पल पे गौर कीजिए जब जरूर समझ में आ जाए, नंबर पलटी मारने पर पावर प्लस से माइनस से प्लस में क्या पावर, इन दोनों का एक आवाज था, गुना या बट्टा में पावर सब पे चला जाता है और सब पे रहता तो हर एक पे चला जाता है बशर्ते कि पावर सेम सेम होना चाहिए, इन दोनों का एक आवाज बच्चों कि नीचे सेम सेम तो पावर सेम सेम तो नीचे सेम सेम बशर्ते कि बीच में बराबर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा नीचे सेम सेम तो पावर सेम सेम हो गया बशर्ते बीच में बराबर था, यहाँ पावर सेम सेम था नीचे सेम सेम हो गया, जस्ट वे यहाँ पर देखिए नीचे सेम सेम था पावर सेम सेम हो गया आपका, यहाँ पावर सेम सेम था नीचे सेम सेम बशर्ते क्या था बराबर था, बस इस टॉपिक के बारे बच्चों आपके हर क्लास में क्लास फाइव सिक्स के बाद हर क्लास में आपको एक्सरसाइज के रूप में मिलेंगे, प्लस आपको में इसका एक्सरसाइज है आपका घातांक और कर्ण सर्च के बारे में बताया गया, इसमें कुछ लोग बताते हैं बहुत सारे राइटर लोग भी लिखते हैं और सही लिखते हैं, जैसे रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी बराबर एक, याद रखो रूट अंडर ए बी, अरे बाबा
फिर यहाँ क्यूबिक रूट बताया। अरे क्या मातामारी करना है, इसको थोड़ा क्यों याद रखेंगे हम, नहीं याद रखें, पावर थ्री पैरल पावर फोर पावर एन रहेगा, एन एथ रूट क्या याद रखें, कोई मतलब ही नहीं बनता सर, इसमें सिमट जाएगा। यहाँ बट्टा रहेगा तो बट्टा करने बोलेगा, जैसे बोलेगा क्या रूट अंडर ए डिवाइड बाय रूट अंडर बी डेट इक्वल टू हाफ रूट अंडर बोलेगा ए बाय बी बोलेगा, नो प्रॉब्लम, कोई मतलब ही नहीं बनता ना, क्या करेंगे सिंपल, हमने क्या बात किया था, जैसे रूट है ना, रूट के बदले में आप क्या लिखते हैं, पावर हाफ ना, बी टू द पावर हाफ हो जाएगा ये, तो ये भी तो आपका वही है ए इंटू बी है, पूरे पूरे पावर हाफ है, तो सिंपल आवाज है। मैंने तो यहाँ शर्त नहीं बोला कि पावर कैसा होना चाहिए, मैंने सिर्फ इतना बोला था इन दोनों में कि गुणा बटा में पावर सब पे चला जाता है, सब पे हर एक बसरते कि पावर सेम सेम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए मतलब पावर सेम सेम होना चाहिए। अरे भैया पावर यहाँ पे सेम सेम है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी क्यूबिक रूट तो क्यूबिक रूट हो जाएगा, एनथ रूट हो जाएगा, बसरते पावर सेम सेम होना चाहिए, बस इसलिए मैं कहता हूँ इनसे प्रॉब्लम मत याद रखिए, इसी आवाज में आपका सिमट जाएगा, कोई दिक्कत आज तक के लिए इतना ही बच्चों, और आगे पढ़ाई आगे क्लास में चलेंगे लोग। यदि आपको पसंद आता हो, पसंद तरीका आपको पसंद आता हो, समझ में आता होगा कि हाँ एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है बचपन का, ओके, और आप करंट एक्सरसाइज का करंट जो पढ़ रहे हैं आप, करंट जो स्टडी कर रहे हैं उसमें आपको परेशानी दूर होती आ रही है, तो प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों को, और जितना ज़्यादा हो सके उतना बताइए, और बेल आइकन इसलिए दबाइए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत हाजिर हो जाए जैसे मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए विदा चाहता हूं, धन्यवाद।